देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, कैलकुलेट द इम्पीडेंस टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन आरएनएस मतलब रेस्ट्रिक्टेड न्यूट्रल सिस्टम व्हेन सप्लाई वोल्टेज इज 6.6 केवी इन ओपन कास्ट माइन। एक ओपन कास्ट माइन है वहां पर सप्लाई वोल्टेज 6.6 केवी है और आपको रेस्ट्रिक्टेड न्यूट्रल सिस्टम लगाना है। आप तो वही लगाना अर्थिंग के लिए, तीन सिस्टम है ना, एसीएनएस आरएनएस और आईएनएस, इंसुलेटेड न्यूट्रल सिस्टम को आईएनएस बोलते हैं, ठीक है। आपको तो लगाना आरएनएस है, तो आरएनएस जब लगाइएगा तो आरएनएस में क्या बोला कि एक इम्पीडेंस लगाएंगे सप्लाइंग ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट और अर्थपीट के बीच में एक सुटेबल वैल्यू का, तो वही सुटेबल वैल्यू आपको यहां निकाल के बताना है। तो हम इम्पीडेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इम्पीडेंस इम्पीडेंस क्या में रहेगा, ओम में रहेगा, ओ एच एम, ठीक है। तो इम्पीडेंस को निकालने के लिए हम फार्मूला बताए थे, वी डिवाइडेड बाय रूट थ्री इंटू आई, ठीक है। सप्लाई वी क्या है, सप्लाई वोल्टेज कितना है 6.6 केवी, ठीक है, 6.6 केवी डिवाइडेड बाय रूट थ्री का वैल्यू कितना होता है 1.732, ऐसे में मेथड तो पढ़ते हैं। और आई का क्या मतलब बताए थे, परमिसिबल अर्थ फॉल्ट करेंट कितना परमिसिबल, ओपन कास्ट के लिए कितना है 50, तो यहां लिख देंगे 50 एम्पियर, ठीक है। ये 6.6 केवी को वोल्ट में बदलेंगे, यहां वैल्यू चाहिए वोल्ट में, यहां चाहिए एम्पियर में, तो ये कितना आएगा 6600 वोल्ट। कैसे आया भैया, अरे 6.6 है, इसको 1000 से किलो का मतलब क्या होता है, 1000 से किया तो 6600 हो गया, 30 लग गया, एक यहाँ पे डेसिमल था इधर से काट दिया तो दो ही ना जीरो बचा, उतना ने लिखा है। और 1.732 को काहे से हम इंटू कर देंगे 50 से, तो ये हो गया 86.6, मोटा मोटी इतना आ जाएगा, ये वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, 86.6। और इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 76 ओम, कितना आएगा 76 ओम, या ओम का जो सिंबल है वो बना सकते हैं आप ऐसा, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है तो इम्पीडेंस में काहे ओम लिख रहे हैं, आप लोग को जानकारी के लिए बता देते हैं, आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, आप लोग को आइडिया है, फिर भी हम बोल दे रहे हैं, रेजिस्टेंस डीसी और एसी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इम्पीडेंस जो है इट इज ओनली यूज्ड फॉर एसी सर्किट्स, ठीक है। तो इम्पीडेंस कितना आपको इम्पीडेंस लगाना होगा, ये इम्पीडेंस निकाले कितना निकाले 76 ओम का, आपको क्या लगाना होगा, एक इम्पीडेंस लगाना होगा सप्लाइंग ट्रांसफार्मर और अर्थपीट के बीच में, तब आप जो है ये वाला वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सीए 2010 सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 एकदम बोल दिया है कि इससे ज्यादा आप अर्थ फॉल्ट करंट नहीं रख सकते ओपन कास्ट में, अंडरग्राउंड में 750 मिली एम्पियर से आप ज्यादा नहीं रख सकते। जब रख नहीं सकते तो कैसे उसको अचीव करना है उसका भी तरीका बताया, तो ये तरीका समझ आया, ठीक है। एक और आप अंडरग्राउंड कर लेते हैं, ये ओपन कास्ट का हो गया, एक केस लेते हैं अंडरग्राउंड का।